अरे अरे पीछे पड़ गया। हाँ अब तू पीछे आ जा। अरे बंदा बैठा इस पे, लिटरली बंदा बैठा। अरे चली। ओ भाई 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 क्या रेंज है इसकी। ओ भाई भाई ये एक तरह से पावर जनरेटर की तरह काम करेगा। ओके तो हेलो दोस्तों, आ चुके एक और नए आर्क असेंडेड के एपिसोड में, तो स्वागत है आपका। तो गाइज कल के तो भाई सॉरी, क्योंकि कल मैंने ना लाइव करी थी ना वीडियोस डाली, तो भाई इस चीज के लिए माफी चाहता हूँ। बट गाइज अगर ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो भाई आज है अपना 5th September और हालांकि जो मैप आने वाला था वो 4th September को आने वाला था, बट हमारे यहाँ थोड़ा टाइम का चेंज है इसलिए भाई आज मैप अपना आ चुका है जो की है एब्रेशन। और सच में अगर भाई जो भी लोग हमारे नए है उन्होंने अगर पिछले वाले एपिसोड पिछले वाली सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज एक बार जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वो सीरीज भी देखो जाके। ओके तो मैं सारी चीजें आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। ओके तो कल मैंने टेम किए थे अपने फ्रॉस्ट वाले डायनासोर और उनमें थे अपने दो डायनोस जो कि अपना फ्रॉस्ट का वेवरन था और अपना था एक योटेरेनस। तो भाई काफी ज्यादा तगड़ा डायनो था। मैंने कोशिश करी अपना सेलेस्टियल के बी से लड़ने की, बट लिटरली उसकी 40 मिलियन के समथिंग हेल्थ था तो भाई उससे लड़ना बेकार था। बट गाइज अभी एक काम करते हैं, अभी टाइम आ चुका है नेक्स्ट वेरिएंट पे जाने का जो कि है अपने लास्ट के 3 वेरिएंट वाले डायनोज जो कि सच में बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं, जिसमें कि है अपना इस 2 वेरिएंट के डायनोज जो कि अपना एलिमेंटल के रह गए हैं। ओके तो उनमें आते हैं अपने एक तो अपना स्टॉर्म के डायनासोर, दूसरा है अपना वोल्केनिक के डायनासोर। तो गाइज ये सिर्फ 2 ही वेरिएंट बचे हैं, उसके बाद हम पर जा सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन पे जो कि अपना रहने वाला अपना डेमोनिक और सेलेस्टियल, जो कि सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो जल्दी से चलते हैं, दोनों वेरिएंट के डायनोज भी जल्दी से खत्म कर लेते हैं। आज नहीं करने वाला दोनों, बट मैं स्टॉर्म के डायनोस टेम करने वाला हूं और ये डायनोस भी सच में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार, मेरे को ग्रिफिन टेम करना चाहिए या फिर जो कल मैंने गीगा देखा था वो टेम करना चाहिए। ओके तो देखते हैं गाइस, अगर दोनों मिल जाते तो दोनों टेम करते हैं, नहीं तो भाई देखते हैं कोई और ज्यादा अच्छा डायनोस मिलते हैं तो उन सारों को भी पकड़ेंगे। ओके चलते जल्दी से एपिसोड स्टार्ट करते हैं, भाई बहुत ज्यादा पका लिया। तो फिलहाल तो अभी एक काम करते हैं भाई, ये सारी चीजें बंद करते हैं और पहले तो मैं आपको सारी चीजें दिखा देता हूं। आई थिंक मेरा हीलिंग पोशन खत्म हो रहा था यार, हीलिंग पोशन भी मेरे को बनाना पड़ेगा। बाकी सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो केबल है हमारी, और गाइस इसमें एक नया अपडेट आया, वो नया अपडेट क्या है मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। ओके और ये जो हनी है ये मैंने एक 2-3 मिलियन की एक बी थी उसको मार के लिया है। ओके तो अभी एक काम करता हूँ, ये हनी जो है ना इसका स्पॉइल टाइम तो बहुत ज्यादा है, बट जितने भी जो काम की चीज है ना वो सारा मैं इधर रख देता हूँ क्योंकि बहुत सारा रिसोर्स वगैरह भी लेके आ चुका था, देख सकते हो। मैं स्टॉर्म की हाइट भी लेके आया हूँ क्योंकि मैंने मारा था एक सेवा दूध को। तो फिलहाल तो मैं आपको ये सारी चीज़ दिखा देता हूँ, पहले तो ये देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें हैं और लास्ट में बची हमारी एक तो अपना ये वाली स्टॉर्म की केबल और दूसरी बची अपनी वोल्केनिक केबल। ओके उसके बाद मैं आगे जा सकता हूँ। अभी मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो चीज़ है ये मेरे को बॉसेस अभी करने चाहिए क्योंकि मेरे को टेम करना है अपना बायोनिक का डायनो जो कि सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बट इसमें भी अभी भी गिलिच है कि बहुत से डायनोज ऐसे हैं जिनको टॉर पर नहीं चढ़ रहा है। ओके ना तो सेलेस्टियल और डेमोनिक के डायनोज आते हैं तो अभी काम करेंगे, सेलेस्टियल और डेमोनिक के ही डायनो आगे जाके पकड़ेंगे, उसके बाद गोल्डी, उसके बाद में बायोनिक के डायनोज पकड़ूंगा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है बायोनिक के डायनो पहले पकड़ना चाहिए क्योंकि नहीं, क्योंकि गाइस बहुत से लोग पूछ रहे होंगे ये जो अपना फ्रूट है वोल्केनिक और स्ट्रॉम ये सारे फ्रूट तो भाई ये सब बॉसेस से मार के मिलेंगे तो बॉसेस को ही मारेंगे, बट उससे पहले मैं आपको सारी चीज दिखा देता हूँ। ओके गाइज इस मॉड का एक नया अपडेट आया है जो कि है भाई ये फर्टिलाइजर एग। ओके और ये देख सकते हो भाई ये अर्थ का फर्टिलाइजर एग है, वो भी टाइटन का, लिटरली टाइटन जो कि बॉस है, और इसके लिए मेरे को चाहिए काफी सारी चीजें जैसे कि अपना अर्थ बॉस की स्कल। ओके मतलब जितने भी बॉस है उनका सबका स्कल चाहिए रहेगा और चाहिए रहेगा एक अर्थ का हार्ट, तो ये सारी चीजें मिलेंगी अपने को बॉस को मार के, तो वो सारी चीजें भी करेंगे। ओके तो फिलहाल एक काम करते हैं, ये तो अभी नहीं खुलने वाला है तो एक काम करते हैं यहाँ से एनग्राम पोशन खाते हैं और भाई ये सारी चीजें करता हूँ फिलहाल। तो लो भाई मैंने एनग्राम पोशन खा लिया और काफी सारे एनग्राम अनलॉक भी हो चुके हैं और बहुत सारे अपडेट आ चुके हैं इस मॉड में, तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। देख सकते हो भाई ये अंडे आ चुके हैं और ये भाई फर्टिलाइजर एग है और इनको मैं टेम कर सकता हूँ लिटरली, जो कि अपने टाइटन थे ना जो साइड से अगर आपने लाइव में देखा होगा तो ठीक है, नहीं तो भाई मैं पूरा हर एक डिटेल आपको दिखाने वाला हूँ इस सीरीज में, तो भाई सीरीज काफी ज्यादा बड़ी होने वाली है। और देख सकते हो ना भाई इसमें कितनी सारी चीजें डाल दी हैं यार, लिटरली पहले इतना सारा चीज नहीं था ठीक है ना, बट अभी बहुत सारी चीजें डाल दी है, तो भाई मैं आगे जाके ये राइफल भी बनाऊंगा। ओके तो ये सारी चीज भी देखना पड़ेगा किससे बनता है, बट मैं निकल और भी लेके आया था, मैं आपको स्टील इंगट भी दिखा देता हूँ मैंने कैसे कैसे बनाया है। ओके मैंने बनाया था स्टील इंगट बनाया था अपना, देख सकते हो ब्लड इन्फ्यूज्ड स्टील इंगट जो कि ये है, हालांकि ये कम था ओके बट बहुत ईजी बन जाएगा, देख सकते हो इसके लिए निकल और अर्थ का ब्लड और मेटल ही चाहिए, सिर्फ ज्यादा नहीं चाहिए।
तो ये सारी चीज तो बहुत इजी बना सकता हूँ। फिलहाल तो मैंने अपना जो आर्मर है ये तो बना ही लिया था पिछली वीडियो में, तो फिलहाल तो अभी काम करते हैं, ये केबल बनाते हैं स्टॉर्म की और देखते हैं भाई स्टॉर्म के डायनो अगर अपने को मिलते हैं अच्छे अच्छे तो उनको टेम करते हैं फिलहाल तो। बाकी मेरे को चाहिए रहेगी अपनी हाइड्रो की एसेंस, जो कि मेरे पास बहुत सारी एसेंस पड़ी हुई है तो मैं काफ़ी सारे बना सकता हूँ। ओके तो ये काम करता हूँ, सात है ना, तो आई थिंक 70 के समथिंग बन जाएंगे तो बहुत ईजी है। चलो भाई फिलहाल तो एक काम करता हूँ भाई, मैं बनाता हूँ अभी 20 केबल, क्योंकि इसके बहुत सारे वेरिएंट हैं तो मेरे को बहुत सारे डायनोस टेम करने पड़ेंगे। अभी देखता हूँ कि भाई एक एपिसोड में ये सारी चीज़ें हो पाती है कि नहीं हो पाती है। बाकी मेरे को ट्रैप भी चाहिए रहेगा, रुको मेरे को नहीं पता है मेरा ट्रैप किधर है भाई, ट्रैप है भी कि नहीं इधर। ओके मेरा ट्रैप ये गया, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रख ली थी। बाकी फिलहाल चलते भाई, अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा अपना वेवरन लेके चला जाए या फिर क्या, पहले तो मैं अपने डायनोस दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर आप कहोगे कि भाई डायनोस नहीं दिखाए हैं। ओके तो फिलहाल तो हमारा ये डायनो है जो कि अपना यूटेरिनस है फ्रॉस्ट का, और सच में यार ये डायनो मैंने ट्राई नहीं किया बट भाई सच में दिखने में कितना ज्यादा प्यारा है, जबकि मैं लो सेटिंग खेल रहा हूँ। और भाई लो सेटिंग से एक चीज ध्यान आई है भाई, जब तक ये वीडियो आ रही है तब तक तो भाई मेरे पास FSR नहीं है, FSR 3.1 जो कि अपना लेटेस्ट अपडेट में आने वाला आर्क का। ओके बट आगे वाली वीडियोज में आपको बहुत ज्यादा क्वालिटी मिलेगी तो भाई मजे बहुत ज्यादा आने वाले हैं। फिलहाल तो आप ये डायनो देख सकते हो भाई, लो क्वालिटी पे भी कितना ज्यादा अच्छा दिख रहा है, हालांकि मेरे पास इसकी सैडल नहीं है तो फिलहाल तो मैं भाई डायनो मारे नहीं थे जो कि मैं अपना करता ये सारी चीजें। बाकी हमारे जो नारो मास्टर भाई हैं और हमारे बप्पन भाई हैं उन्होंने अपने डायनोस के नेम बताए, सबसे पहले तो नेम डालते और ये सारी चीजें करते बाद में। ओके तो हमारे जो बप्पन भाई हैं उन्होंने अपना फीमेल के लिए बताया भाई, आई थिंक ये फीमेल का ही नाम है, सबसे पहले मैं फीमेल का नाम डाल देता हूँ जो कि अपना गॉडेस। ओके और दूसरे का भी नाम भी डालेंगे अभी। ओके तो देख सकते हो भाई हमारी जो फीमेल फ्रॉस्ट वेवरन है इसका नाम मैंने डाल दिया अपना गॉडेस, और सेकंड वाले का नाम मैं डाल देता हूँ अपना रेविक, और ये नेम है रेविक मेरे को नहीं पता है भाई क्या है बट मेरे को प्लीज कमेंट में जरूर बताना। ओके नारो मास्टर भाई, ओके मैंने इसका नाम डाल दिया रेबिक और आई थिंक ये नाम बहुत अच्छा लगेगा आपको, तो प्लीज ये सारी चीजों के लिए प्लीज एक लाइक तो कर ही देना। बाकी भी फिलहाल तो चलते हैं भाई ये सारी चीजें लेके। ओके अपना डायनो पे मैं ऐसे ही राइड कर सकता हूँ, बाकी इस पे ट्रैकर डाल ही रखा है ना, और भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार ये मॉड के चक्कर में मेरे पे क्यों ये सारी चीज आ गई, भाई मैं थोड़ी इवॉल्व होता हूँ ब्रो, मेरे पे क्यों इवोल्यूशन आ रखा है। बाकी आई थिंक यार मेरे को ये सारा सामान घर पे रखना चाहिए था बट फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं यार डायनोस को पकड़ना। और मोस्टली भाई सबसे पहले तो मैं अपना ग्रिफिन देखूंगा क्योंकि वो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट डायनो है। ओके सबसे पहले तो ये सारी चीजें करता हूँ मैं। तो गाइस ग्रिफिन तो मेरे को बहुत सारे मिले हैं बट मेरे को अच्छा लेवल मेरे को भी नहीं पता यार कौन सा था कौन सा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे ग्रिफिन ढूंढने मिले तो बहुत सारे बट उनका मेरे को लेवल ध्यान नहीं है। तो जल्दी से चलते ये सारे डायनोस दिखाता हूँ मैं आपको धीरे धीरे, और भाई थोड़ा थोड़ा लोड हो रहा है, पता नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या सीन हो रहा है ये बार बार। ओके ये अपडेट की वजह से शायद से इशू हो रहा है। ओके पहला डायनो दिख चुका है जो कि कितने लेवल का है, 70 लेवल का है। ओके मेरे को ये नहीं चलाना है, और गाइस जो जो डायनो नहीं रहेंगे ना अच्छे नहीं रहेंगे उनको मैं मारता भी जाऊंगा क्योंकि मेरे को हाइड की भी ज्यादा जरूरत है यार। ओके एक और डायनो मिल चुका है यहाँ पे, और ये कितने लेवल का है, ओके 240 लेवल का मिल चुका है ये भाई, थोड़ा बहुत अच्छा है ठीक है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये ब्रीड वगैरह होते भी हैं या नहीं है। चलो गाइस एक डायनो तो मिल चुका है, फिलहाल तो मैं इस बैठ के तो नहीं कर सकता हूँ, बाकी और डायनोस ढूंढूंगा मैं। ओके अगर और भी डायनोस मिलते तो अच्छी बात रहेगी, फिलहाल तो मेरे को बहुत सारे डायनोस चाहिए भाई, क्योंकि आप लोग कहते हो भाई एक डायनो टेम करने के बाद भाई ये सारी चीज़ें खत्म कर देते हो। और यहाँ पे है एक 80 लेवल का वॉल्केनिक का डायनो, और भाई 80 लेवल है लिटरली इसके 80 भाई 8 लाख हेल्थ है भाई, क्या सीन है ये, लो लेवल के बाद भी इतना ज़्यादा हाई हेल्थ कैसे हो सकता है ये समझ में नहीं आ रहा थोड़ा। ओके यहाँ पे है कोलोसिस का डायनो, ओके एक और डायनो है यहाँ पे। ओके भाई तो मेरे को मिल चुका है फिलहाल तो 290 लेवल का डायनो, भाई मैंने इतने सारे ढूंढने थे ये अब कहाँ से स्पॉन हो रहे हैं भाई, ये पहले नहीं थे यार। चलो भाई अच्छी बात है जो मिला सो अच्छा ही है। बाकी यहाँ पे घूम रहा है एक सेलेस्टियल का आरजी 240 लेवल का, ठीक है काफी सारे डायनोज हैं यार यहाँ पे, तो फिलहाल तो इसको पकड़ने की ट्राई करते हैं। ओके ये बहुत ईजी हो भी जाएगा, हालांकि भाई एक बात बोलूं लिटरली अगर आपने मेरी लाइव देख रहे होगे तो भाई सच बता रहा हूँ जितना आसान है छोटे ग्रिफिन को टेम करना है ना उससे कई ज्यादा मुश्किल अपना डेमोनिक का ग्रिफिन टेम करना है, और भाई सच में डेमोनिक का ग्रिफिन भाई अब तो मजा ही आने वाला है सीरियसली भाई, ये पहली बार है जो किसी प्राइमल फेयर मोड में अपना डेमोनिक का ही आने वाला है ग्रिफिन। और यहाँ पे सेवत उतर गया दूर है, ओके मेरे को जूझना नहीं है भाई किसी डायनो से। चलो भाई ये सारे लग चुके हैं, बाकी एक काम करता हूँ रुको। चलो भाई ये तो हो चुका है, बाकी अपना एक काम करता हूँ, इस डायनो का समझ में नहीं आ रहा यार इस डायनो का क्या करूँ, क्योंकि बाहर रहेगा तो मर जाएगा,
ओके अंदर ही कर लेता हूँ फिलहाल तो इसको, बाकी काम करता हूँ इसको मैं करता हूँ। और भी यहाँ पे काफी सारे डायनोज हैं यार। ओके ये एग्रो हो जाएगा बहुत इजी, आजा भाई मेरे पास आजा। अरे आजा, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, अरे कहाँ जा रहा है, पागल है क्या? अरे नहीं रे, ये उधर क्यों जा रहा है, उधर क्यों जा रहा है, ये भाग क्यों रहा है, लिटरली भाग रहा है। अरे भाग मत यार भाई, ये तो उड़ गया। अबे ऐसा मत कर यार भाई, सीरियसली एक तो कम तौर पर क्यों ले रहा है ये, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। रुको, मैं तो इस पे बैठ के कर भी नहीं सकता यार। भाई मेरे पे ग्रैपल भी नहीं है यार, सॉरी मेरे पे हार्पून लॉन्चर भी नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं उल्टा। बट ये है वो ग्रिफिन यार, यहाँ मैं इसको गिरा भी नहीं सकता हूँ पता है। अरे अरे पीछे पड़ गया। हाँ अब तू पीछे आ जा, आ जा तू अब मेरे पीछे आ जा। अरे आ रहा है अभी, आ रहा है अभी, आ रहा है अभी, आ रहा है। अरे नहीं भाई तू कहाँ से आ गया, क्यों आया भाई मेरे पास? अरे बंदा बैठा इस पे, लिटरली बंदा बैठा। अरे चल रुक नल्ले डायनो। ओके यहाँ पे डायनो घूम रहा है। ये वापस तो आ गया, चलो ये भाई वापस तो आ गया है, ये डायनो वापस तो आ चुका है। एक काम करता हूँ इसको मैं अंदर करता हूँ। अरे नहीं 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 मुन्ना मेरा मुन्ना भाई, रुक जा रुक जा भाई रुक जा, फिलहाल के लिए तो रुक जा, मेरे को और कुछ भसड़ नहीं चाहिए। ओके तो अभी एक काम करता हूँ, अभी मैं टेम करता हूँ इसको अगेन और कोशिश करता हूँ ये मेरे पे एग्रो हो जाए। अरे आ रहा है बे, अरे नहीं ये क्यों आ गए, तुम क्यों आ गए बे? ये आ रहा बहुत स्पीड में आ रहा है वैसे तो। अरे यार ये अंदर नहीं आएगा क्या? लग गए। अरे भाई तेरे को करना है ब्रो। अरे फंस गया फंस गया फंस गया फंस गया, आ गया ना, आ गया ना, ये आ गया भाई आ गया। अरे बाहर क्यों गया ये अंदर क्यों नहीं आ पाया भाई? मैं मरूंगा मैं मरूंगा मैं मरूंगा मरूंगा भाई, मैं मरूंगा मरूंगा, मेरा मेरा हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया भाई हो गया यार। भाग जाएगा, दिक्कत वही है सबसे बड़ी यार। मैं एक सॉरी मैं बार बार ग्रैपल क्यों बोल रहा हूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। नूब, मेरे को एक हार्पून लॉन्चर बनाना पड़ेगा यार। हार्पून लॉन्चर है नहीं ना मेरे पास फिलहाल तो, नहीं है यार। इसको ट्रैप कैसे करूँ भाई मैं यार, ऐसे दिक्कत कर जाएगा ये यार। एक काम करता हूँ घर पे जाता हूँ एक बार, हार्पून लॉन्चर बना के आता हूँ यार। वहाँ और भी डायनोज हैं ना यार, ये किससे डिमोनिक से लड़ रहा है क्या? अगर ये डिमोनिक से लड़ा तो सीन हो जाएगा। इसको पहले खींच के लेके आऊँ इधर, भाई ने का डायनो घूम रहा है उधर। अरे भाई 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 आ रहा है ना, बहुत स्पीड में आ रहा है बेटे, बहुत स्पीड में आ रहा है ये। अरे ओए ओए ओए, चलो भाई ये हो चुका है, अभी जल्दी जल्दी हो जाएगा। मेरे पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर अंदर देखता हूँ ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। यार इसका तो हाफ भी नहीं हुआ, ये तो बहुत दिक्कत करेगा यार। ये डार्ट इतने ज्यादा अच्छा नहीं है यार, मुझे लगा था बहुत ज्यादा अच्छा होगा बट ऐसा नहीं है। अरे तो टाइम है इसको 15 सेकंड है। ओके 15 सेकंड बाद ये अगेन होना चालू हो जाएगा, रुको जरा। एक ओके हो गया है। अरे नहीं बे,
अरे भाई, ओ लग गया, फाइनली लगा। रुको, डॉज कर रहा है ये, करता हूँ भाई जल्दी से इसको। 1 मिनट भी नहीं है मेरे पास, जल्दी हो जा भाई। 26 सेकंड, ओके, ये इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा, अब तो हो जाएगा। चलो गाइस, आई थिंक ये अभी हो जाना चाहिए फिलहाल। ओके, फिलहाल तो ये बहुत इजी हो चुका है, बाकी यहाँ पर पहुँचना थोड़ा रिस्की है। नहीं भाई, नहीं है रिस्की। चलो इसको 2 किविल खिला देता हूँ, बाकी ये डायनो कितने का है ये मेरे को देखना पड़ेगा। 270 लेवल, ओके गाइस, ये भी 270 लेवल का बहुत ज़्यादा अच्छा डायनो है। इसको फिलहाल तो अंदर कर लेता हूँ, मैं नहीं चाहता ये मर जाए। ओके, फिलहाल तो मैं अपना ट्रैप उठा के लेके आता हूँ और इसको भी करता हूँ। वेट करो भाई, दोनों डायनो कर लूँगा ना, मज़े ही मज़े आ जाएंगे भाई। यार एक काम करूँ तो इनको हारपून लॉन्चर पहले मार दूँ। वो भी नहीं, इनको पहले पहले हारपून लॉन्चर मार दूँ, उसके बाद ये सारी चीज़ें करूँ फिलहाल तो। क्योंकि तो भाई इनको मैं ब्रीड कर सकता हूँ यार, सबसे बेस्ट चीज़ ये रहा है ना। ये फंस चुका है फिलहाल तो, एक काम करता हूँ इनको मैं ट्रैप ही कर देता हूँ। वेट करो, ओके, ये हो चुका है। देन ये यहाँ पे लगाऊं एंड ये यहाँ पे लगाऊं। चलो बहुत इजी। अरे नहीं, कोई और फंस गया, कोई और आ गया, कोई और आ गया, कोई और आ गया, कोई और आ गया, नल्ले डायनो। अरे अर्जेंट है बस, 140 लेवल का। अरे वाह यार, कहाँ फंसा हुआ है ये भाई? फंसा हुआ यार ये, मार ना दे। बट भाई अर्जेंट है बस भी टेम कर लूँ क्या यार? अर्जेंट है बस भी टेम करना चाहिए फिलहाल तो मेरे को यार। रुको, अरे यार ये कहाँ बैठ गया और पता नहीं फंसा हुआ है कहीं तो। ये रुको, इसको ऐसे नहीं कर पाऊंगा, इसको ऐसे करता हूँ। वेट करो, ये फंसा हुआ तो नहीं है। रुको, ये काम करता इसको। अरे भाई ये तू मत निकल जियो, पहले मैं इसको करूंगा क्योंकि ये वो फंसा हुआ वो नहीं निकल पाएगा ना फिलहाल तो। और गलती से निकल भी ना जाए, ऐसा हुआ तो भाई पता नहीं निकल गया गलती से तो सीन हो जाएगा। फिलहाल तो मैं इसको करूंगा यार। 140 लेवल का यार, ये मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है गाइस, इससे ज़्यादा हाई लेवल अगर कर पाऊंगा तो देखता हूँ भाई, उसको भी टीम कर लूंगा मैं। चलो गाइस इसको करता हूँ, बट मैंने इसके लिए जगह तो छोड़ी ही नहीं है, जगह तो बहुत छोटी करी है मैंने इसके लिए। अरे यहाँ नीचे केव है क्या? इतना शोर कैसा आ रहा भाई, डरावना सा। ओके, फिलहाल तो ये हो चुका है। चलो भाई ये हो चुका है बेहोश, अभी ये काम करता हूँ। इसको केबल कितनी खा रहा है? ये 2 केबल ये भी खा रहा है ना। ठीक है, अभी ये मेल है फीमेल? ओके भाई ये मेल, ये फीमेल है, ये अच्छी चीज़ है भाई, मेरे को मेल फीमेल मिल चुके हैं। फिलहाल तो यार ये डायनो तो नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि ये अभी अंदर धस चुका है, तो अभी इसको तो नहीं करूंगा यार। बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा फिलहाल, मेरे को ये डायनो यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि अपना वेवरन ही अच्छा है। बाकी अगर मैं इसको यूज़ करूँ तो मर ना जाए गलती से, तो अभी फिलहाल मैं यूज़ नहीं करूँगा। बाकी यार मैंने एक और डायनो ढूंढा था जो कि फ्रॉस्ट का था यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अगर वो डायनो मिल जाता ना वो टेम करूँगा, क्योंकि मेरे को उसका नाम नहीं पता। और ये क्या चीज़ है? हेलो भाई, बायोनिक रेक्स। ओके, बायोनिक का रेक्स भी है यार यहाँ पे तो। और यहाँ पे घूम रहा है डिमोनिक की, 260 लेवल है भाई, और 260 लेवल में चौक क्यों रहा भाई? इसकी जरा हेल्थ देखो, 67 मिलियन, सीरियसली तो बहुत ज्यादा है। अरे नहीं, इससे तो पंगे नहीं ले सकता भाई मैं, डिमोनिक का वेवरन तो बहुत मारेगा। ओके भाई, मेरे को इधर कहीं अपना एक नेचर का बंदर दिखा था, और मेरे को नहीं पता ये शायद से अपडेट के बाद आया है। ओके, तो भाई ये चीज़ अच्छी चीज़ है, ये बात तो बहुत सही है। बट तो अभी दिक्कत ये है कि वो डायनो मेरे को नहीं पता है कि वो डायनो किधर है यार। वो डायनो अगर मिल जाएगा तो मैं ज़रूर टेम करूँगा उसको, क्योंकि भाई वो बाई लक मिल गया था, मैं यहाँ पे गीगा को देखने आया था। ओके, वो बाई चांस ही मिल गया था मेरे को, बट वो है किधर यार? मिल जाएगा तो मज़े ही आ जाएंगे भाई फिलहाल तो। यार मैंने सोचा था एक डायनो मिलेगा जो कि अपना नेचर का बंदर, घंटों पे तिकस था, पता नहीं कौन सा था,
बट भाई लिटरली वो एक हाथ में भाला लेके बैठा रहता है यार। वो मेरे को मिल जाता ना तो मैं टेम कर लेता। जिस टाइम मेरे को मिला था मैंने सोचा था यार उसको कर लूँ, बट वही है मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैंने वो उस टाइम नहीं किया। बट मैंने यार मार्क भी नहीं किया था उसको। सबसे बड़ी गलती ये हो गई थी मेरी। ओके यहाँ पे फ्रॉस्ट का यूटेरेनस है 140 लेवल का, इसको तो नहीं कर कोई मतलब नहीं है। चलो गाइस फिलहाल तो एक काम करते घर पे चलते वो डायनोइट ट्राई करते हैं यार। मुझे लगा था हो पाएगा तो बहुत सही रहेगा बट ऐसा नहीं है यार। ओके तो फाइनली भाई लोग मैं आ चुका हूँ अपने प्यारे से घर पे। और अभी एक काम करता हूँ अपने वेबरन को यहाँ पे खड़ा करता हूँ, बाकी अपना डायनो को ट्राई करते हैं। भाई ये डायनो तो मेरा बहुत ज़्यादा ही बेस्ट है सच में। भाई कितने सारे डायनोस हो गए भाई। ऊपर से मेरा जो जाइंट हाथी है वो लिटरली कितना ज़्यादा बड़ा है भाई। सबसे ज़्यादा जाइंट है ये, देख रहे हो भाई। कोई भी तो इसके आस पास भी नहीं है यार। थोड़ा बहुत स्पाइनो लग रहा है कि हाँ इसके थोड़ा बहुत टक्कर का, बट नहीं यार ये बहुत बड़ा है। इसके पास जाओगे तो उतना ही बड़ा होता जाता है। बाकी फिलहाल तो एक काम करते हैं, बातें तो बहुत हो चुकी हैं, फिलहाल तो मैं अपना डायनो दिखाता हूँ जो मैं फिलहाल तो पकड़ के लेके आया हूँ। ओके हालांकि मैंने दो ही ग्रिफिन पकड़े, उसके बाद तो कोई पकड़ा ही नहीं है मेरे को, मिले नहीं यार। नहीं मिलते तो मैं सारे डायनो स्टेम कर लेता। तो गाइज ये है मेरे आज के डायनोज। ओके और ये दोनों ग्रिफिन ही बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहे हैं भाई। देख सकते हो भाई क्या ही ब्लैक एंड येलो कलर का क्या ही धांसू डायनो दिख रहा है। अभी मेरे को नहीं समझ में आ रहा है इनका सैडल वगैरह है क्या, मेरे को देखना पड़ेगा एक सेकेंड। ओके इनका सैडल है और ठीक है 150 हाइट लग रही है। तो एक काम करता हूँ दोनों के लिए बना के लेके आता हूँ सैडल, उसके बाद ये सारी चीजें करता हूँ फिलहाल तो मैं। लो भाई अभी ये काम करता हूँ, ये है हमारा फीमेल ग्रिफिन और ये रहा मेरा मेल ग्रिफिन। फिलहाल तो मैं एक काम करता हूँ इनकी पहले ब्रीडिंग करवा देता हूँ, उसके बाद इन दोनों को ट्राई करूँ। नहीं तो पता चली मैंने इनको ट्राई किया और ये निपट गए तो थोड़ा सीन हो जाएगा। ओके ना तो फिलहाल तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, पहले तो इनकी ब्रीड करा के दो चार अंडे निकाल लेता हूँ, उसके बाद ये सारी चीजें करता हूँ। बैकअप तो रहे ना है कम से कम। और ये मेरे को समझ में नहीं आता, ये कोई तो इसकी एबिलिटी है। ओके शो पावर जनरेटर रेडियस, और इसको ऑन करने के बाद मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये देखो ये रेडियस हुई तो है बट इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं क्या। अनेबल वायरलेस जनरेटर, पता नहीं क्या चीज है। ओ भाई 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 क्या रेंज है इसकी। ओ भाई भाई ये एक तरह से पावर जनरेटर की तरह काम करेगा, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ ऊपर वाली जो वो थी ना इनको, भाई लिटरली ये ऑफ है और ये चल रही है भाई, जबकि ऊपर वाले की भी वो सारी चीजें। काम करता हूँ ऊपर भी आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ। ओके तो एक काम करता हूँ यहाँ पे जाता हूँ और इसको ऑफ कर देता हूँ एक बार। ओके इसको ऑफ कर देता हूँ भाई, लिटरली पावर्ड है यार, ये तो बहुत सही चीज है यार। तो गाइज ये स्टॉर्म के नैनोस करते हैं। ओके तो भाई अभी एक परमानेंट जनरेटर हो गया मेरे पास। तो अगर मेरे पास जनरेटर ऑयल भी खत्म हो जाता है तो ये मेरे पास रहेंगे तो अच्छी बात है भाई, ये बहुत सही चीज है यार। एक काम करता हूँ इसको ऑफ ही कर देता हूँ यार, मेरे को और भी काफी सारे हीलिंग बनाने पड़ेंगे यार, मेरे को काफी सारा मेडिकल ब्रू चाहिए ताकि ये सारी चीजें कर सकूँ। बाकी अपना ग्रिफिन तो भाई तगड़ा ग्लाइड करता ही है। ओके अभी मैं हर एक डायनो भाई मैं ग्रिफिन बैठ के भी कर सकता हूँ तो मजे ही मजे हैं भाई फिलहाल तो। ओके इन डायनोस को मैं निपटा देता हूँ क्योंकि इनकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। 36,000 का डैमेज दिया एक बार में इसने। अरे नाइस यार ठीक है बहुत अच्छा डैमेज है ये। इसका लेवल अप करते हैं फटाफट से, फिर ट्राई करते हैं इसको। ओके भाई फिलहाल तो मैंने इसकी हेल्थ कर दी है 10.5 मिलियन की, और आई थिंक इसकी इतनी हेल्थ तो भाई बहुत गंदा लैग हुआ। इतनी हेल्थ इसकी इनफ होना चाहिए। फिलहाल तो मैंने इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। ओके तो मैं बहुत ज़्यादा तेज ग्लाइड कर सकता हूँ अभी तो। ओके बाकी इसका देखना पड़ेगा कि जो इसकी जो डैमेज है ना, वो भाई 1 मिलियन का डैमेज। सीरियसली ब्रो 1 मिलियन का डैमेज दिया इसने ग्लाइड पे। भाई 2 मिलियन का आ रहा है भाई भाई भाई, ये क्या डायनो है भाई। 2 मिलियन का डैमेज दिया इसने और फिर से इसका आ गया। ठीक है भाई काम करता हूँ इसका सारा डैमेज इसके एसी में डालता हूँ यार। अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गया यार, जितने भी डेमोनिक डायनोस है ये थोड़ा दिक्कत कर सकते हैं। ओके फिलहाल तो एक काम करता हूँ। अरे भाई 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 यहाँ नहीं यहाँ नहीं, ये भाई कुछ ज़्यादा 280 भाई, लिटरली 280 भाई। मैं इस डायनो की बात कर रहा था जो कि अपना नेचर का पता नहीं क्या है। ओके ये गया हमारा करेक्टनॉस और दूसरा है हमारा नेचर का डायनो। बाकी इसको मैं मार देता हूँ, ये एबिलिटी छोड़ता देख सकते हो, और ये एबिलिटी आई थिंक ठीक है। ये कोई तो एबिलिटी छोड़ता है और 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार का डैमेज दे रहा है, तो इस एबिलिटी का भी ठीक है, मतलब कुछ ज़्यादा खास नहीं है। बट ग्रिफिन बहुत ज़्यादा सही डायनो है मेरे लिए तो।
क्योंकि भाई इससे मैं तेज ग्लाइड से कर सकता हूँ, डायनो को टेम कर सकता हूँ, और ज़्यादा होगा तो डायनो को कैरी भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैं फिलहाल तो दिखा देता हूँ, अभी ये पता नहीं कैरी कर भी पाएगा कि नहीं, इसको इसको नहीं कर पाएगा। ओके छोटे डायनोस को कर पाएगा, प्रैंक हो गया। चलो भाई छोटे छोटे मोटे डायनोस को कर पाएगा, बट आई थिंक इतना इनफ होना चाहिए। ओके तो फिलहाल तो आई थिंक ये डायनो आपको बहुत ज्यादा प्यारा लगा, तो प्लीज गाइज लाइक कर देना, चैनल पे ना तो प्लीज सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे एक और धमाकेदार एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड नमस्ते। और प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि ये जो डायनो है ये आपको कैसा लगा। ओके करते भाई इस वीडियो को एंड। चलो गाइज बाय बाय, सी यू एंड नमस्ते।